इज 13.1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग मीन लेंथ, लेंथ क्या है 1.5 मीटर एंड ब्रेथ 1.25 मीटर एंड हाइट आर गिवेन 65 सेंटीमीटर। क्लियर? देखिए आपको हमने बताया था, सबसे पहली चीज ध्यान देते हैं यूनिट पर, मीटर में है, मीटर में है, बट दिस इज इन सेंटीमीटर, इसको भी आप कन्वर्ट कर लीजिए मीटर में तो 0.65 मीटर। आपसे पूछ रहा है द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। फर्स्ट पार्ट द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड इसके लिए स्टूडेंट्स आप निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। इसका फार्मूला आपको बता चुके हैं, ट्वाइस एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ठीक है, तो आइए सॉल्व करिए। टू एल क्या है 1.5, बी 1.25 प्लस 1.25, एच 0.65 प्लस 0.65 इंटू एल क्या हमारे पास 1.5। अब मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ट्वाइस 1.5 इंटू 1.5 15, 5 जा 75, कैरी 7, 15 टू जा 30 और 7 37, कैरी 3, 15 में जा 15 3 18, तो ये आएगा 3 1 2 3 0 पॉइंट यानी 1.875। फिर आप इंटू करिएगा 1.25 का 0.65 से, करके देख लीजिए क्या आएगा 1.25 इंटू 0.65, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 2 जा 10 2 12, 6 2 5, 6 5 जा 30 ये आ जाएगा 15, ये आएगा 5 2 6 5 11 8, 0.8125, दिस इज 0.8125 प्लस आप इसका इंटू करेंगे 15 5 जा 75, क्लियर, कैरी 7 और 15 6 जा 97, पॉइंट लगेगा 3 डिजिट पर। अब आप इन तीनों का सम करिए, देखिए सम करने पर 1.875, 0.8125 एंड 0.975, 5 2 6 3.6625, 2 into 3.6625। अब 2 से इंटू करेंगे, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 और कैरी 1, 2 6 जा 12 1 3 और आपका 2 3 जा 6, दिस इज 6.325 मीटर स्क्वायर।
ये आपके क्या आ जाएगी, रिक्वायरमेंट शीट, द एरिया शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। देखिएगा इसके लिए पूछ रहा है क्योंकि आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, 2lb प्लस bh प्लस hl। 2l की वैल्यू 1.5 इंटू बी 1.25 प्लस 1.25 इंटू 0.65, हाइट हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, सेंटीमीटर में था, और h 0.6 इंटू 1.5, इसका इंटू किया 1.875, इन दोनों का इंटू 0.8125, इन दोनों का इंटू 0.975, ये आया आपके पास 7.325 मीटर स्क्वायर। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज ओपन एट द टॉप, क्या है ओपन एट द टॉप है, यानी टॉप वाला पोर्शन क्या है, खुला हुआ है, तो इसलिए यहां पर थोड़ा सा और वर्क करना पड़ेगा हमें, वो समझिएगा कैसे होगा। अब देखिएगा एक्चुअल एक्चुअल रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शीट, ऑफ शीट इक्वल टू 7.325 मीटर स्क्वायर माइनस, देखिए टॉप पर ओपन है यानी टॉप का एरिया इसमें जो है उसे हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट, माइनस एल इंटू बी। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनल आंसर आपका आएगा, देखिएगा 7.325 मीटर स्क्वायर माइनस लेंथ आपका क्या है 1.5 और ब्रेथ 1.25, फाइनली 7.325 मीटर स्क्वायर माइनस 15.75 यहां पे 1.875 आ जाएगा। फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 माइनस 5 जीरो, 12 माइनस 7 5 और यहां पर 12 माइनस 8 6 और 6 माइनस 1 5.650 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आपके पास 5 माइनस 5 जीरो, 12 माइनस 7 5 और 12 माइनस 8 आपके पास आ जाएगा 4, सॉरी यहां पे क्या होगा 12 माइनस 8 4, ये आपका आ जाएगा आंसर। समझ आ गया स्टूडेंट्स यहां तक का, ये आ गई एक्चुअल रिक्वायर्ड एरिया द शीट 5.45 मीटर स्क्वायर, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। हम इसको और भी तरीके से कर सकते हैं, उसको भी मैं समझा रहा हूं। पहले सेकंड पार्ट भी कॉस्ट ऑफ द शीट, सेकंड पार्ट है कॉस्ट ऑफ शीट इक्वल टू ₹20 इंटू 5.45। अब मल्टीप्लाई करिएगा, देखिएगा 0, 25 या 10 और 24 या 8 109.00, इसका मतलब ₹109, दिस इज द फाइनल आंसर। देखिएगा इसको हम इस तरीके भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि ये तो हमने टोटल सरफेस एरिया निकाल के टॉप का एरिया माइनस कर लिया, और भी आप डायरेक्टली यूज कर सकते थे फार्मूला। आप एक काम करते, लेटरल सरफेस एरिया निकाल देते प्लस एरिया ऑफ द क्या करते बॉटम ऐड कर लेते, या टोटल सरफेस एरिया निकाल के एरिया ऑफ द टॉप माइनस कर लेते। इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। द एरिया देखिएगा
एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड। आप एक काम ये कर सकते थे, लैटरल सरफेस एरिया निकाल लीजिए, 2L+B × H+LB ऐड कर लीजिए। क्या करिए, चारों वॉल का एरिया हो जाएगा प्लस बॉटम का। तो आप तोहफे नहीं है, आप इस फार्मूले से भी अप्लाई कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। या आप टोटल सरफेस एरिया निकाल लीजिए, LB+BH+HL, और उसमें से LB माइनस कर दीजिए। इन दोनों में से कोई भी फार्मूला आप लगा के सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज ए पेरीमीटर 250 मीटर। देखिए रेक्टेंगुलर हॉल पेरीमीटर 250 मीटर, यानी पेरीमीटर आपका क्या होता है रेक्टेंगल का, 2L+B इज इक्वल टू क्या है, 250 मीटर। फिर देखिएगा, इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फोर वॉल्स, यहां पे हम निकालेंगे एरिया ऑफ फोर वॉल्स, क्या आएगा, एट द रेट ऑफ ₹10/m², यानी ₹10 per m² के हिसाब से कॉस्ट कितनी है, 15,000। तो 15,000 को डिवाइडेड बाय 10, दिस इज द m², ये आपका एरिया ऑफ फोर वॉल्स आ जाएगा। और एरिया फोर वॉल्स का फार्मूला ट्वाइस L+B × H इक्वल टू 1500 m². और देखिए 2L+B की वैल्यू आपने क्या निकाली है, 250, 250 इक्वल टू 1500। अब H इक्वल टू 1500 अपॉन 250, हाउ मेनी टाइम्स, 6 times। तो हाइट आपकी क्या आ गई, हॉल की 6 meter, यही आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन है। देखिएगा इसमें क्या करना था, पेरीमीटर हॉल का दे रखा था और कॉस्ट ₹10 per m² से चारों वॉल की पेंटिंग का कॉस्ट कितना, 15,000 रुपए। तो एक 15,000 टोटल कॉस्ट है, तो एरिया निकालना है, तो टोटल कॉस्ट को पर m² कॉस्ट से डिवाइड कर दे, मैंने एरिया निकल आया, यानी 2L+B × H = 1500 m², और 2L+B की वैल्यू 250 गिवेन थी, 250 × H = 1500 upon 250, 6 meter आपका आंसर आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिएगा इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो डिस्कस किया है, सेम तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी है। 2 में एक रूम है जिसकी लेंथ 5 मीटर है, ब्रेथ 4 मीटर है और हाइट 3 मीटर है। आपको कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग, यानी कि सीलिंग यानी छत का एरिया और आपको चारों वॉल का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले यहां पर हम निकाल लेंगे फार्मूले से एरिया ऑफ फोर वॉल प्लस एरिया ऑफ सीलिंग इक्वल टू ट्वाइस L+B × H। ये आपका एरिया फोर वॉल का फार्मूला हुआ और सीलिंग क्या है, L × B। तो वैल्यू पुट करते हैं, ट्वाइस L क्या है 5, B 4 और H क्या है 3 प्लस L
इंटू बी, तो ये आ जाएगा 5 + 4 = 9, 9 × 10 = 54 + 20 आपका आ जाएगा 74 m². बहुत आसानी से निकल आया। उसके बाद आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, क्या निकालना है कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। इक्वल टू रुपीज 7.50 × 74। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, देखिएगा 7.50 × 74 = 4 0 4 5 = 20 = 2, ये 30 आ जाएगा, 7 0 7 5 = 35 = 3, 7 7 = 49 = 3 = 52। अब आप 0 0 5 5 5 point mean रुपीज 555 आपका आंसर होगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स आपने देख लिया आज क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3, इतना समझ में आ गया है, इसका आंसर 555 आ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए, बचे हुए क्वेश्चन आप लोग कोशिश करिए डिस्कस करने की, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू।